हेलो गाइस, माय नेम इज़ शाहिद अली एंड टुडे आई विल एक्सप्लेन अबाउट लेमिनार एयर फ्लो। लेमिनार एयर फ्लो में तीन कंपोनेंट होते हैं। फर्स्ट यूवी लाइट, जो कि हम कोई भी माइक्रोबायोलॉजिकल एक्टिविटी करने से पहले 20 to 30 मिनट तक ऑन रखते हैं फॉर स्टरलाइजेशन, एरिया को स्टरलाइज करने के लिए। एंड देन हम ब्लोअर एंड लाइट ऑन कर देते हैं, यूवी लाइट ऑफ कर देते हैं। यूवी लाइट ऑफ करने के बाद में हम इसे विंडो को ओपन करते हैं। एंड इसे जो है ये टू टाइप के होते हैं, फर्स्ट हॉरिजेंटल एंड जो है देन वर्टिकल। ये हॉरिजेंटल हमारा है, इसमें जो है क्योंकि इसमें जो ब्लोअर होता है हेपा फिल्टर, वो हेपा फिल्टर अंदर से बाहर की ओर एयर को फ्लो कराता है ताकि कोई भी एसेप्टिक या जो कंटामिनेशन इसके अंदर ना जाए। हेलो एवरीवन, माई सेल्फ शुभम वाजपेयी एंड टुडे वी विल डिस्कस अबाउट ऑटोक्लेव। सो हेयर इट इज़ अ ऑटोक्लेव। ऑटोक्लेव जो हमारा होता है वो मेटालिकल सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर का होता है, जिसमें कि हमारा सबसे पहले हमारा प्रेशर गॉज होता है जो कि हमारा प्रेशर इंडिकेट करता है। एंड दिस इज प्रेशर नॉब, जिसको हम लोग प्रेशर रिलीज के लिए भी यूज़ करते हैं। एंड दीज आर द स्क्रूज। सो ऑटोक्लेव हम लोग क्यों इस्तेमाल करते हैं? ऑटोक्लेव हम लोग इस्तेमाल करते हैं स्टरलाइजेशन के लिए। एंड स्टरलाइजेशन भी कई तरीके के होते हैं, बट इसमें हम लोग मॉइस्ट हीट स्टरलाइजेशन करते हैं, इसीलिए हम लोग ऑटोक्लेव का इस्तेमाल करते हैं। सो जब भी हम लोग इसका इस्तेमाल करते हैं, सबसे पहले इसके अंदर वाटर फिल होना चाहिए, जो कि वाटर फिल होता है जो कि हम लोगों को मॉइस्ट प्रोवाइड कराता है। तो जब हम लोग अपने कोई भी मोस्टली कॉमन जितने कल्चर मीडियाज या फिर हमारे ग्लासवेयर्स होते हैं, उनको हम लोग कंटेनर में फिट करके इसके अंदर रखते हैं, तो जो हमारी जो मॉइस्ट होती है, जो हम लोग वाटर से क्रिएट कराते हैं, एक सैचुरेटेड मॉइस्ट क्रिएट करते हैं, इन्वायरमेंट क्रिएट करते हैं अंदर, जो कि वो जो मॉइस्ट होती है वो पेनिट्रेट करती है हमारे ग्लासवेयर्स के अंदर। एंड जो हमारा मीडिया है उसके अंदर जितने भी सेल्स होती है उसके अंदर जाके कोगुलेशन अकर करती है। एंड जो हमारे जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म बैक्टीरियल होते हैं उनको किल करती है। सो अब हम लोग इसमें लोडिंग करेंगे हमारे मटेरियल्स का। तो सबसे पहले तो हम लोग इसको ओपन करेंगे ऑटोक्लेव को। सबसे पहले हम लोग इसमें बास्केट देख रहे हैं, लोडिंग बास्केट, इसको हम लोग बाहर निकाल सकते हैं। तो इसको हम लोग बाहर निकाल लेंगे। तो जैसे कि आप लोग देख सकते हैं कि हमारी बास्केट में इसमें पोर्स प्रेजेंट हैं। सो हमारी बास्केट में नीचे की तरफ एंड साइड की तरफ भी पोर्स हैं, बट कुछ अलग बास्केट्स भी होती हैं जिनमें सिर्फ एक साइड में होता है या फिर सिर्फ नीचे साइड में होता है, ठीक है। तो हम लोग इसमें अपना मटेरियल जब लोड करेंगे, सबसे पहले तो हम लोग जो हमारे ग्लासवेयर्स हैं उनको कैसे पैक करेंगे, बिकॉज इसमें ऐसे नहीं रख सकते हम लोग। तो सबसे पहले तो इसको पैक करने के लिए हम लोग ब्राउन पेपर की ज़रूरत होती है, बट अगर ब्राउन पेपर नहीं अवेलेबल है तो आप किसी भी नॉर्मल पेपर से आप इसको रैप कर सकते हैं। एंड इसको आप एल्यूमिनियम फॉयल से रैप नहीं करेंगे, बिकॉज हमारी जो स्ट्रीम होती है वो इतनी उसमें पावर नहीं होती है कि वो हमारी एल्यूमिनियम फॉयल को पेनिट्रेट कर सके। सो इसीलिए हम लोग नॉर्मल पेपर का इस्तेमाल करते हैं एंड उसको प्रॉपरली हम लोग थ्रेड की मदद से इसको अच्छे से रैप कर देते हैं। देन हम इसको इसमें लोड कर देते हैं। सो आप जितने भी ग्लासवेयर हैं हमारे पेट्री डिश और हमारे टेस्ट ट्यूब्स, इसमें हम लोग लोड कर सकते हैं। एंड अपना मीडिया भी आप इसमें रख सकते हैं। तो जब हम लोग लोड कर लेते हैं, फिर उसके बाद में हम लोग मेक श्योर करते हैं कि हमारे ऑटोक्लेव में वाटर फिल है और नॉट, बिकॉज वाटर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर स्टीम। सैचुरेटेड स्टीम जितनी भी क्रिएट होती है अंदर, वो हमारे वाटर से ही क्रिएट होती है। देन हम लोग अपनी बास्केट को इसमें लोड कर देंगे वापस से एंड हम लोग इसको कंटेनर को क्लोज कर देंगे। एंड जो हमारे स्क्रूज़ हैं इनको हम लोग प्रॉपरली टाइट करेंगे, बिकॉज हमें अंदर एयर टाइट इन्वायरमेंट क्रिएट करना है ताकि अंदर सैचुरेटेड स्टीम्स जो हैं वो प्रोवाइड हो सकें इसको, जितना भी हमारा मटेरियल है उसको। ओके, सो इसको पहले हम फर्स्टली अच्छे से टाइट कर देंगे। ओके, सो हमारे जितने भी स्क्रूज़ हैं वो प्रॉपरली टाइट हो चुके हैं, हमने मेक श्योर कर लिया है। एंड जो हमारा जो प्रेशर नॉब होती है उसको हम लोग टाइट कर देंगे ताकि हमारा जो प्रेशर है वो रिलीज़ ना हो सके इसमें से। ओके, सो आफ्टर द लोडिंग ऑफ मटेरियल हम लोग ऑटोक्लेव को ऑन करेंगे। मेन स्विच को हमने ऑन किया एंड देयर इज़ अ रेड बटन, रेड लाइट विच इंडिकेट्स दैट द ऑटोक्लेव इज़ ऑन। ओके, सो अब हम लोग ध्यान देंगे हमारे प्रेशर गॉज पे और प्रेशर मीटर पे, जो हम लोगों की रेड लाइन है विच इंडिकेट्स द PSI। PSI इज़ स्टैंड फॉर
प्रेशर स्क्वायर इंच. ओके, सो हम लोग अब वेट करेंगे इसका प्रेशर कब 15 PSI पे पहुंचेगा, एंड देन जब 15 PSI पे पहुंच जाएगा तो हम लोग इसको 20 मिनट्स के लिए छोड़ देंगे, मतलब कि 20 मिनट्स के लिए वेट करेंगे. उनका टेम्परेचर 15 PSI पे पहुंच चुका है, अब हम लोग टाइमर सेट कर देंगे 15 मिनट्स के लिए, एंड आफ्टर 15 मिनट्स हम लोग ऑटोक्लेव को बंद कर देंगे. ओके, सो नाउ हमारा 20 मिनट्स कंप्लीट हो चुके हैं, तो अब हम लोग अपना ऑटोक्लेव को बंद कर देंगे एंड अब हम लोग वेट करेंगे इसका प्रेशर कब ज़ीरो हो जाएगा, तब हम लोग अपने ग्लासवेयर्स इसमें से निकाल सकते हैं. हेलो एवरीवन, माय सेल्फ प्रदीप कुमार यादव एंड टुडे वी आर टॉकिंग अबाउट द बियोड इनक्यूबेटर. बियोड इनक्यूबेटर स्टैंड्स फॉर बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड इनक्यूबेटर. इन अगर हम इसके बारे में साफ साफ जानना चाहें तो इसको हम यूज़ करते हैं हमारे जो जैसे हमारे टिश्यू कल्चर हो गए उनको जो है एक ऑप्टिमम टेम्परेचर प्रोवाइड करने के लिए. जैसे कि हम जानते हैं कि इसमें डबल डोर होता है क्योंकि इसमें जो है हमारे एक क्रॉस कंटामिनेशन ना हो सके, हम लोग इसको बाहर से भी देख सकें, तो वो चीज़ में ये डोर प्रोवाइड होती है कि हम अगर ओपन करें तो ये डोर जो है सामने से दिखे और अंदर की जो कल्चर है मीडिया जो भी रखे हम लोग के जैसे फंगस और बैक्टीरिया इन सबको देख सकें. और अगर और हम इसके बारे में जानना चाहें तो बैक्टीरिया जो कुछ टेम्परेचर होता है उसको 35 to 37 डिग्री सेल्सियस प्रोवाइड करते हैं, और फंगस को वहीं देख लें तो फंगस को जो है 25 डिग्री सेल्सियस नॉर्मल प्रोवाइड करते हैं. थैंक यू. माय नेम इज़ रश्मि वर्मा. टुडे वी टॉक अबाउट द हॉट एयर ओवन. इट इज़ यूज फॉर द ड्राई हीट स्टरलाइजेशन एंड वी स्टरलाइज द ग्लासवेयर्स. इन दिस इज़ द टेम्परेचर, दिस इज़ अ पावर सप्लाई स्विच. जब हम इसे ऑन करते हैं तो हमारी रेड लाइट ऑन होती है. उसके बाद अगर हम इसमें टेम्परेचर लोड करते हैं तो हमारी ग्रीन लाइट ऑन होती है. ये हमारा हॉट एयर ओवन का स्ट्रक्चर है. जो हमारी इसकी अंदर की जो बॉडी बनी होती है वो हमारी स्टेनलेस स्टील की बनी होती है और आयरन की बनी होती है, और जो हमारा डोर होता है वो हमारा इंसुलेटेड होता है, और जो हमारा जो भी बॉडी अंदर की होती है वो पूरा भी ड्राई हीट करता है चारों तरफ से, मींस बॉटम से, ऊपर से और साइड से. जो भी हमारा मटेरियल इसके अंदर रखा होता है, मींस ग्लास वेयर्स हम जो स्टरलाइज करते हैं, वो चारों तरफ से उसमें ड्राई हीट लगती है, ड्राई हीट होते हैं. इस वजह से वो सारे हमारे जो भी ग्लास वेयर्स होते हैं वो स्टरलाइज हो जाते हैं. और इसके अंदर मेन चीज़ ये है कि हम लोग कभी भी इसके अंदर थर्मोलेबाइल सब्सटेंसेस और साथ ही साथ थर्मोसेंसिटिव सब्सटेंसेस नहीं स्टरलाइज करते हैं. इसका जो टेम्परेचर होता है वो हम लोग 120 डिग्री पे रखते हैं. 120 पे इसलिए रखते हैं क्योंकि इसका ऑप्टिमम टेम्परेचर हमारा 180 डिग्री होता है, और उस पर हम लोग सारे जितने भी ग्लासवेयर्स होते हैं वो स्टरलाइज करते हैं. और इसके अंदर हम लोग कोई भी प्लास्टिक मटेरियल्स या फिर ग्लव्स वगैरह स्टरलाइज नहीं कर सकते हैं.